नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। शहर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, वहीं आपराधिक घटनाएं आम हो गई हैं। ताजा मामला है जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र का, जहां आरपीएफ बैरक के निकट स्थित मीट दुकान पर अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर हवाई फायरिंग किया और फरार हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार सुबह बागबेड़ा के दुकानदार बलबीर सिंह अपने दुकान पर बैठे थे। उस दौरान दो की संख्या में आपराधिक चरित्र के लोग दुकानदार बलबीर सिंह के पास पहुंचे और रंगदारी की मांग करने लगे। वहीं इस बात को लेकर दुकानदार और अपराधियों के बीच बकझक होने लगी। वहीं कुछ देर में अपराधियों ने दुकान के बाहर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बताया जाता है कि दोनों अपराधी परसुडी थाना अंतर्गत किताड़ी के रहने वाले सोनू एंथनी और संतोष तिवारी हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रंगदारी की मांग को लेकर गोली चालन की घटना घटी है, जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया अपराधियों की पहचान हो गई है और छापामारी जारी है। पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हवाई फायरिंग करने वाले एक अपराधी संतोष तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कई मामलों में जेल जा चुका है। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। बैरक के पास आज 10 बजे गोली चलने में सूचना हम लोग प्राप्त हुआ। उसके उपरांत हम लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि दो व्यक्ति गोली चला कर भाग गए हैं। इसका हम लोग जांच पड़ताल किए तो हम लोग पता चल गया है कि उसने गोली चलाया है और उसको पकड़ने के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। मीट दुकान में गोली मीट दुकान वाले से रंगदारी मांगा थी कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तो दुकान नहीं चलने का, इसी बात को लेकर हवाई फायरिंग किया है और भाग गए हैं। काम हो गई है, छापामारी जारी है, विशेष बात नहीं। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।